नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं वेब प्रॉफिट। आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप 2 से 3 हजार रुपए लगाकर अपना ई कॉमर्स का बिजनेस अमेजन या फ्लिपकार्ट पे शुरू कर सकते हैं और महीने के आराम से 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। मैं पर्सनली इस चीज को अपने बिजनेस में यूज करता हूँ और मेरे डेली 10 से 15 ऑर्डर इस ट्रिक से आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं आपको करना क्या है। आप किसी भी लोकेशन पे रहते हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आप शहर में रहते हो या किसी जैसे लोकेशन पे रहते हो, आप इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हो। अगर ऑनलाइन वर्ल्ड की बात करें तो आजकल इंटरनेट पे ऑनलाइन हर चीज बिकता है, आपको केवल बेचना है और उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, थोड़ा बहुत रिसर्च करना है। आज के डेट में हर एरिया का इंडिया में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है जो केवल आपके एरिया में मिलेगा, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पूरे इंडिया में मिलते हैं और पूरा इंडिया सेल भी होता है, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो केवल स्पेसिफिक एरिया में होते हैं लेकिन सेल ऑनलाइन बहुत ज्यादा होता है। अगर बात करें कुछ पूजा आर्टिकल्स आप ले लो, तो पूजा आर्टिकल्स का कीमत कुछ नहीं होता लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल करोगे तो उसका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हो। अगर कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम की बात कर लो, तो आप कुछ एरिया में हैं, इंडिया के कहीं कहीं एरिया में है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम कुछ स्पेसिफिक एरिया में है, लेकिन आप उसको अगर ऑनलाइन सेल करते हो तो पूरे इंडिया में अच्छा बिकेगा। अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप सेम डे किसी वेंडर से लेके आप उसको पैक करके डिस्पैच कर सकते हो। इसमें आपको स्टॉक रखने का कोई झंझट नहीं, आप एक दिन 50 ऑर्डर भी ले सकते हो, 60 ऑर्डर भी ले सकते हो, आपके एरिया में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। इससे आपको इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जब जितने ऑर्डर आएंगे आप उसको बेच सकते हैं। अगर एंड एवरेज बात करें कि 10 से 15 ऑर्डर डेली अगर आपके इस प्रोडक्ट से आते हैं और इस प्रोडक्ट पे मार्जिन आप 50 से 60 रुपए भी रखते हो, अगर मान लो कि 60 रुपए आप एक प्रोडक्ट पे मार्जिन रखते हो और डेली 15 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपका डेली का प्रॉफिट हो गया अप्रॉक्स 900 के आसपास। तो आप महीने का प्रॉफिट जोड़ लो तो 27,000 के आसपास प्रॉफिट होता है। तो आपको सबसे पहले अमेजन पे जाना है या फ्लिपकार्ट पे जाना है और प्रोडक्ट वैसे चूज करने हैं जिनकी लिस्टिंग ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है, आप नया क्रिएट भी कर सकते हो। अगर पहले से लिस्टिंग क्रिएटेड है तो उस पर ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा रिव्यू होंगे। बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग्स होती है जो किसी सेलर ने पहले यूज करी होती है और उस पर रेटिंग अच्छी होती है, लेकिन आज के डेट में उस सेलर ने उस लिस्टिंग को छोड़ दिया, आप कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप उन लिस्टिंग को भी यूज करके इनिशियली अपनी सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, या अपना नया लिस्टिंग क्रिएट करके भी आप अपने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और मानो या ना मानो, इस चीज से बिजनेस में आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका सेल्स समय के साथ बढ़ता है तो आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। अगर डेली का आपका 50 ऑर्डर भी इस चीज से आ जाता है समय के साथ, अगर आप अपनी लिस्टिंग को बढ़ा देते हो और डेली अगर 50 ऑर्डर आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि महीने का कितना ज्यादा कमा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।